सबका पोपट बनाया जा रहा है गाइस। ये जो फोन है और DSLR इनका सच हमसे छुपाया जा रहा है नंबरों के पीछे। और प्रश्न उत्तर क्रिया करी जाएगी, लेफ्ट या राइट में से एक फोटो चूज करनी आप लोगों को। और अब सच का सामना करने का समय आ गया था, मतलब आ गया है। जो लेफ्ट वाली फोटो थी उसको 3 मेगापिक्सल की थी, 3.8 मेगापिक्सल की, और जो राइट वाली फोटो है वो 16 मेगापिक्सल की है। बट सच्चाई स्क्रीन पे अलग दिख रही है, नंबरों पे अलग दिख रही है। हमको समझ नहीं आता है कि मतलब मेगापिक्सल देख के देखें या फिर ऐसे कोई अपर्चर साइज या फिर ऐसे कोई शटर स्पीड कुछ भी ऐसे बताते हैं नंबर उसे देख के एक्चुअली पता नहीं चल पाता फोटो कैसी आएगी। तो आज दृष्टिकोण बदला जाएगा और सच के समीप आप लोगों को लेके जाया जाएगा। बेसिकली मोबाइल और DSLR जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। पेपर पे एकदम सेम से लगते हैं जैसे कंपनियां दिखाती हैं, बट एक्चुअली में काफी ज्यादा डिफरेंट है। काफी चीजों में अच्छे भी हैं मोबाइल्स, काफी चीजों में DSLR अच्छे हैं। तो मैं मतलब थोड़ा आपको क्लियर कर दूंगा बेसिक्स की, मतलब कैसे आपको जज करने है कौन सा किस चीज के लिए बेटर रहेगा। और उसके बाद फोटो मस्त खींचनी है तो हो सकता है भाई फोन से भी कभी कभार बहुत तगड़ी क्वालिटी फोटो आए थे। पर स्टार्ट करने से पहले एक दिल की बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। मैं बहुत ही सेल्फिश हो गया हूँ गाइस, मैं काफी सारी चीजें यूट्यूब के अलावा भी करता हूँ और मतलब आप लोगों से शेयर नहीं करता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सारी चीजें दिखाने की और सारी चीजें डॉक्यूमेंट करने की, मतलब क्या मसाला चल रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी देखी जा रही है, सारी चीजें। तो वो सारी मतलब शेयर करने के लिए आप लोगों की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सेल्फिश कम रह के आप लोगों को भी दिखाता हूँ। बट अब खाना खा लो फ्रेंड, एक्चुअली रो दिखा दो। तो ये एक फोन का सेंसर है और ये एक कैमरे का सेंसर है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जो फोटो खींचती है भाई वो लाइट से खींचती है। पूरा ऐसे दुनिया रोशन है तो बढ़िया क्वालिटी की फोटो आएगी, चाहे वो मोबाइल से खींचे चाहे DSLR से खींचे। इतना ज्यादा दिख पाएगा कैमरे को उतनी ज्यादा बढ़िया फोटो आती है, नॉर्मल सी चीज है। हाँ, तो मतलब जितनी ज्यादा लाइट है फोटो में उतनी ज्यादा बढ़िया फोटो खींचे, ये चीज याद रखना। तो बेसिकली ये वाला सेंसर मोबाइल का है और जो ये वाला सेंसर है ये DSLR का, ऑफकोर्स ही बात है DSLR का बड़ा सेंसर है। बट आपने काफी ज्यादा जगह सुना होगा मेगापिक्सल के बारे में। तो मेगापिक्सल बेसिकली कुछ नहीं होते, छोटी छोटी ऐसे कटोरियां समझ लो। तो ये एक पिक्सल है और ये मिला के ऐसे मेगापिक्सल बनाते हैं। तो समझ लो ऐसे भूख लग रही है, ऐसे दाल चावल खाने आप किसी रेस्टोरेंट में आते हो, उसको बोलते हो क्या है मेरे को 4 कटोरी दाल चावल दे, और ऐसे छोटी छोटी कटोरियां दे देगा, और दूसरी रेस्टोरेंट वाले ऐसे बड़ी कटोरी में ज्यादा दाल चावल दे देगा। ऑफकोर्स ही बात है भाई, वो जो छोटी छोटी कटोरी आने वो खाली दिखाने का, उससे ऐसे पेट नहीं भरता है। बड़ी कटोरी में जितना ज्यादा ऐसे मस्त मसाला आ जाए उससे पेट भर पाता है। तो वही सेम चीज है इस वाली में, आप बोल सकते हो पिक्सल ज्यादा है, बट क्योंकि सेंसर का साइज छोटा है इसलिए जो पिक्सल का साइज है वो बहुत छोटा है, और मतलब छोटे छोटे पिक्सल है काम वो इतना बढ़िया से नहीं कर पाते। और जैसे कि देख सकते हो इस वाली में भाई फुल टू पेट भर दाल चावल, कटोरी भर दाल चावल खा पाओगे, तो ये वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और वैसे आप स्पेक्स देखने जाओगे ना तो हो सकता है ये वाला जो है उसमें आपको कम देखने के लिए मिल जाए, उसके जो साइड वाला मोबाइल वाला उसमें आपको कभी बार ऐसे 24 मेगापिक्सल 30 मेगापिक्सल वाली फोटो देखने, बट एक्चुअली धोखेबाजी वाला काम है। तो इस वाली प्रक्रिया से एक चीज क्लियर हो गई होगी, भाई आपको अच्छी फोटो लेने के लिए 4 चीजें चाहिए होती है, मेहनत, लगन, परिश्रम, और मैं जो बिहार से आम लाया है वो क्योंकि मस्त है। मजाक कर रहा था, आपको बस एक ही चीज ये, जब भी आप फोटो खींचते हैं ना अपने फोन पे आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि मतलब जो टेक बर्नर का रेड सब्सक्राइब बटन है ग्रे हो चुका है। अब 2 बार काट दिया, एक्चुअल मुद्दे की बात पे आया था। तो बेसिकली होता है कि सबसे पहली बात तो है प्लेट जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा ऐसे दाल गिर पाएगी, उसके बाद कटोरियां बड़ी चाहिए, और ऑफकोर्स ये बात है भाई कटोरियों का छेद भी ऊपर की साइड वाला होगा वो भी ज्यादा बड़ा होगा। ये अगर ऐसे टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो प्लेट जो होती है वो सेंसर होता है, तो जितना बड़ा सेंसर होगा ऑफकोर्स ये बात है भाई उतनी ज्यादा बड़ी ऐसे कटोरियां बन जाएंगी। कटोरियां मेगापिक्सल्स होती है, पिक्सल जितने बड़े हैं और जो एक्चुअल उसका होल है या फिर जो मतलब चौड़ाई है जो लेंस का साइज है वो जितना बड़ा है भाई। एकदम अगर टेक्निकल में जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर साइज होता है, दूसरे नंबर पे आता है जो एक्चुअल अपर्चर है लेंस का, मतलब जितना ऐसे छेद जितना बड़ा है, और तीसरी चीज मेगापिक्सल, और चौथी चीज प्रोसेसर भाई। मतलब ये सुनने में से अजीब सा लगता है कि प्रोसेसर क्यों चाहिए फोटो खींचने के लिए, वो तो खाली से लेंस कैमरे से खींची जाती है। प्रोसेसर एक्चुअली सारी जो मस्त मस्त चीजें हैं ना उसको लेके ऐसे मस्त ऐसे बैकग्राउंड ब्लर करता है, फिर अलग अलग ऐसे शक्ल ऐसे गोरी कर देता है जो भी करता है, तो वो भी बहुत ज्यादा मोबाइल पे एटलीस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप कोई भी मोबाइल के डब्बे को उठा के देखते हैं ना तो सेंसर साइज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो प्लेट जितनी बड़ी उतनी ज्यादा दाल वाला है, फिर से बेकार चीज बोल रहा हूँ, बट वो कोई भी नहीं बताता है, फिर आपका ऐसे पोपट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए दिखाने वाले आइटम ऐसे छोटी छोटी कटोरियां डाल के आपको ऐसे काटा जा रहा है आपका। तो दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि सच का सामना कैसे करा जाए, एक वेबसाइट है वो खोल के दिखा दो। तो वैसे तो बड़ी सारी वेबसाइट है बट ये डिवाइस स्पेसिफिकेशंस करके है,
ये मेरे को मतलब काफी ज्यादा डिटेल लगते हैं, इसमें आपको ज्यादातर चीजें देखने को मिल जाती हैं। प्राइमरी कैमरा में जब आप जाओगे ना, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सेंसर साइज लिखा हुआ एकदम एंड में एकदम छोटा था और ये 1/2.55, उसके बाद ये अपर्चर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मोबाइल में लेंस बहुत ही छोटा सा होता है, बट होता है ये जो बाहर हल्का सा उठा हुआ है ना, इसको लेंस बोलते हैं। कैमरा ऐसा बड़ा सा होता है, उसका अपर्चर है जितना कम नंबर होगा ना उतना ज्यादा ऐसे बड़ा होगा, क्योंकि 1/1.8 है। तो ऐसे मैथ्स बहुत तेज है भाई। इसको अगर आप कंपेयर करोगे बाकी सारे फोन्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। मेगापिक्सल जो लिखा हुआ है ना, इससे कोई, मैं सही बताऊं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप इसको देखो ना देखो कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। जो नीचे छोटी छोटी चीजें लिखी है ना, सेंसर साइज जो लिखा है, ये आप कंपेयर करोगे तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जो पिक्सल साइज है, मतलब जो एक्चुअल कटोरी का साइज है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको देखनी होती है। मैं ऑनेस्टली बताऊं बेस्ट तरीका क्या होता है किसी भी एक फोटो कैमरा की फोटोज को जज करने का, मतलब एक्चुअल आप फोटोज देखो ना कि स्पेसिफिकेशन देखो, उससे भाई काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब हो सकता है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। ये 4 मेगापिक्सल वाली फोटो थी जो कैमरे से खींची हुई थी, वो इसलिए इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है यार, कैमरे का सबसे पहली बात तो भाई सेंसर बहुत ज्यादा बड़ा है, और मेगापिक्सल चाहे कम हो बट वो बड़े बड़े मेगापिक्सल थे, और उसका काउंट कम करने से भी ऐसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेंस और जो सेंसर है और जो बाकी सारी स्पेसिफिकेशन है बहुत ही ज्यादा बेटर है किसी एक मोबाइल से जिसमें मतलब सेंसर बहुत ही मतलब छोटा सा होता है। तो इसलिए सच्चाई आपको पता चल गई। तो ये मैंने खाली आपको पेपर पे बेसिक्स बताने की कोशिश करें, होपफुली आपको मजा आया। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। इंस्टाग्राम और बाकी सारी चीजें फॉलो कर दो यार, प्यार दिखाओ थोड़ा, बाय।